तो फिर ये बाइक बजाज कंपनी का कितना सीसी देख सकते हैं, 220। इसका इंजन ऑयल खुले, देखिए कितना इंजन ऑयल है, देखिए फिर 300 या 350 होगा, हार्डली ज़्यादा होगा तो 400 होगा, जिसमें 1150-1200 का आसपास लगता है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, टाइमिंग थोड़ा मिलाना पड़ेगा टाई फिट को, गाड़ी टूलिंग में दिक्कत आता है, टूलिंग सही से नहीं बढ़ता है, बंद भी हो जाता है, जैसे चलती में किला चप के जैसे ब्रेक मारते हैं ऐसा बंद हो जाता है। तो कैसे क्या करेंगे, ये तो हम लोग को मैग्नेट साइड कवर खुलना पड़ेगा, ये तो हम लोग खुलेंगे नहीं, ऐसे टी का निशान देखेंगे, पहले पलक को खुल लेते हैं, पिस्टन ऊपर रहेगा टॉप में, और कैसे लाएंगे वो गियर में डालेंगे, जैसे गियर है अभी डाल लेते हैं, अभी चक्का घूमता है गियर में डाल दे, अभी हिला हिला के देखेंगे कहाँ पे आता है, ध्यान दीजिएगा घूमेगा इधर मैग्नेट, देखिए कैसे हम लोग टाइमिंग में लाएंगे और ऊपर से देखेंगे टॉप में आया कि नहीं। तो बने रहिए फ्रेंड, तो फ्रेंड चक्का घुमाते हैं अभी धीरे धीरे, तो फ्रेंड देखिए घुमा घुमा यहाँ पे टी पे लाए, टी का निशान आ गया, तो आएगा ये देखिए फ्रेंड अभी टी आ गया, ये सब लूज कर दिया, ट्रैफिक 24 नंबर का नाथ, तो फ्रेंड ये हिलता नहीं, अभी नीचे वाला देख लेते, जो है ऊपर वाला टाइफिन नट को थोड़ा सा लूज कर लेते, नीचे वाला ठीक है साइलेंसर वाला, ज्यादा लूज नहीं करेंगे नहीं तो फिर टिक टिक साउंड आ जाएगा, सुनाई में बहुत खराब आवाज लगेगा। साइलेंसर वाला सही है, थोड़ा लूज रहना चाहिए, सही है, अब जो हम लोग टाइमिंग जो मिला है कैसे, ये जो है फलक खुला हुआ है हम लोग का, ये पेशकस हम लोग यहाँ से फंसा है, इधर से भी लाइट से हम लोग देख पाते हैं, पिस्टल टॉप में देखें इतना आता है फलक टॉप में, और टी भी आ गया, और एक बार अगर घुमाएंगे और एक बार सिर्फ तो टी पे आएगा जरूर, अगर टाइमिंग सही से नहीं मिलेगा पिस्टल भी टॉप में रहेगा, और दो बार लाना होगा, एक लूज होगा कम से कम, एक लूज होगा तब जब मालूम होगा जो टाइमिंग सही जगह में आ गया है। तो फिर आप ये सब फिट कर लेते हैं, और इंजन ऑयल तो इतना ही निकला, फिर अभी इंजन ऑयल जो है हम लोग लाए हैं, WD50 2050 का है, यहाँ पे देखिए RS 470 रुपया, इतना इसमें ऑयल है, देखिए 1.215L मतलब 1150 ग्राम, 1200 से थोड़ा सा कम, 1200 मान चले 1150 ग्राम आता है इसमें, इस रिंग से हम लोग टाइट करेंगे, तो फ्रेंड ये प्लग भी अभी हम लोग फंसाए थे, इसमें कीक भी जैसा पल्सर 150 सीसी हो गया, कीक जिसमें है अभी का 150 जो न्यू मॉडल वाला आ गया EBS वाला, इसमें भी कीक का प्रॉब्लम हो गया, जैसा बैटरी डाउन है से खेलना पड़ेगा, नीचे मेन स्टैंड करके
चक्का घुमाना पड़ेगा तब भी हो जाएगा। किक लेने से सही होता है, किक मार मार के देखते हैं। और इसमें तो कोई सिस्टम नहीं लेता हम लोग को, मैग्नेट कवर जो है खोलना पड़ता। तो हम लोग क्या गया, सिर्फ गियर में डाले, दो गियर में डाले और पीछे वाला चक्का थोड़ा आगे पीछे किए, टी आ गया, पलक भी खुल के देख ले। तो ये पलक खुल के जैसे देख ले तो आ गया टॉप में, तब देखते हैं। हाँ, ये वाला टाइट है थोड़ा सा, और जो कार्बेटा वाला थोड़ा टाइट है, और साइलेंसर वाला सही है। तो सिर्फ हम लोग क्या किया, कार्बेटा वाला को लूज कर दिए। अभी टूलिंग भी सही बैठेगा, तेल भी कम पिएगा अभी। तो फिर पलक साइड हो चुका है, अभी पलक को फंसा देते इसमें। तो अभी जो ऑयल नट है इंजन बोल 16 नंबर की, तो हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो फिर आप फंसा दे टाइट फुल से कर लेते हैं, प्रॉपर टाइट जितना होता है टाइट हो चुका है, निकल ले। अब हम लोग उधर से इंजन ऑयल डालते हैं। तो फ्रेंड्स अब इंजन ऑयल इसमें डाल देते, कप लगा ले, बजाज का ऑयल है। फिर इसका जो कलर है पावर वन जैसा आता है वैसा है। तो फ्रेंड्स डब्बा खाली हो गया, करेंगे। तो फ्रेंड अब बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, अब ऑन कर ले, ये होगा इग्निशन बल्ब का। चलो स्टार्ट करते हैं, ये होगा। तो फ्रेंड टाइपिट जो है घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिलते रहे। तो फ्रेंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड टैंक फंसा देंगे।